वायु हुआ विकराल, गुजरात में 175 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराएगा। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान वायु ने और गंभीर स्वरूप धारण कर लिया है और इसके पूर्व में अनुमानित की तुलना में और अधिक तीव्रता से गुजरात के सौराष्ट्र के निकट कल सुबह जमीन से टकराने लैंडफॉल की संभावना है। अहमदाबाद मौसम केंद्र के निदेशक जयंत सरकार ने बुधवार को बताया कि अब इसने एक अति गंभीर चक्रवाती तूफान का स्वरूप ले लिया है। सुबह ये गुजरात के वेरावल तट से लगभग 340 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। ये गुरुवार को सुबह पोरबंदर से महुआ के बीच वेरावल के आसपास जमीन से टकराएगा। उस समय इसकी गति पूर्व के अनुमानित 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तुलना में और अधिक 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है तथा इसके साथ कभी कभी पवन की गति 175 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाएगी। इस बीच इसके मद्देनजर तटवर्ती जिलों व्यापक एहतियाती उपाय किए गए हैं। तटवर्ती 11 जिलों के स्कूलों में बुधवार और गुरुवार को अवकाश की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केवल इसी विषय पर कैबिनेट की बैठक आहूत की है। सभी प्रभारी मंत्रियों को उनके जिलों में रहने की ताकीद दी गई है। इसके अलावा सभी सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। हजारों की संख्या में मछुआरों की नौकाएं वापस लौट आई है। जबकि घोघा और दाहेज के बीच खंबात की खाड़ी में चलने वाली रोरो फेरी सेवा 2 से 3 दिन के लिए बंद कर दी गई है। लगभग 408 तटवर्ती गांव और निचले इलाकों से लोगों को स्थानांतरित करने का काम बुधवार को सुबह शुरू हो गया है। लगभग 3 लाख लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना की तीनों अंगों को भी तैयार रखा गया है। एनडीआरएफ की 30 से अधिक टुकड़िया इन इलाकों में तैनात है। तूफान के मद्देनजर तटवर्ती इलाकों में भारी वर्षा की आशंका भी व्यक्त की गई है। समुद्र तटों पर लोगों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। उधर तटवर्ती इलाकों समेत राज्यों के कई स्थानों पर आज बादल युक्त वातावरण है और कई स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई है। समुद्र तट पर ऊंची लहरें उठ रही है। गौरतलब है कि इससे पहले 2 बार ऐसे तूफानों की चेतावनी अंत में फुस साबित हुई थी। वर्ष 2014 के अक्टूबर में नीलोफर तूफान और 2017 दिसंबर में ओखी तूफान गुजरात तट से टकराते समय महज निम्न दबाव के मामूली क्षेत्र में तब्दील हो गए थे। इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, जबकि इससे पहले इनसे निपटने के लिए व्यापक तैयारी की गई थी और सेना के तीनों अंगों को भी तैयार रखा गया था।